अभी रास्ता में हम लोग आ रहे थे तो सुबह से हल्का हल्का बारिश हो रहा है, देखिए पूरा रोड भींगा हुआ है। हम लोग को वही डर लग रहा है कि पतला वाला तार लोड किए हैं, कहीं बारिश में थोड़ा बड़ा माल भींग जाएगा, कहीं जंग लग गया तार में तो पार्टी जो है दिक्कत करेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर बोला था कि बढ़िया से तिरपाल मार के जाइएगा, नहीं तो माल में थोड़ा जंग लग जाएगा तो पार्टी लफड़ा करेगा। इसीलिए सुबह से बारिश हो रहा है हल्का हल्का, थोड़ा वही डर सता रहा है कैसा नहीं माल भींग जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, अभी हम लोग सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं गाड़ी के पास, और ये देखिए अभी हमने फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया है गाड़ी का। पिछले ब्लॉक में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग का गाड़ी कल ही लोड हो गया था, और मैंने रस्सा त्रिपाल सारा करके चला गया था घर पे, क्योंकि पेपर शाम को आने वाला था, और कल जो है माइक वगैरह लेने के लिए धनबाद चल गए थे, इसकी वजह से काफी लेट हो चुका था। इसीलिए हम लोग सुबह सुबह ही बाइक से आ गए, और हम लोग का बेल्टी वगैरह सारा मिल गया, अब लोग गाड़ी भी हम लोग निकाल लिए बाहर। अब हमारा जो लखनऊ का जर्नी शुरू होगा, आप लोगों को भी पता है कि हमने लखनऊ का माल लोड किया है बाराबंकी का। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब निकलते हैं यहाँ से, और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और यूट्यूब में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग चाइना मोड़ पहुँचने वाले हैं, अभी हम लोग बारीडी से ये फॉरन रोड पकड़ लिए हैं, ये रोड सीधे रामगढ़ होते हुए रांची चला जाता है, तो आगे चाइना मोड़ से हम लोग को राइट टर्न मारना पड़ेगा, और वहाँ से हम लोग को खुसरो होते हुए डुमरी निकलना पड़ेगा। तो डुमरी में दिल्ली कलकत्ता वाला रोड है NH2 बनारस वाला, उधर से लेफ्ट मार के हम लोग निकल जाएंगे आगे। फिलहाल आगे हम लोग को पेट्रोल पंप मिलेगा HP का, वहीं पे डीजल ले लेंगे, क्योंकि यूपी तक का डीजल चाहिए भाई हम लोग को, यूपी में डीजल सस्ता है, झारखंड का पैसा 5-6 रुपया सस्ता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और डीजल लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जैना मोड़ फुसरोला रोड पे आ चुके हैं, तो ये देखिए जैना मोड़ के बगल में ही है HP पेट्रोल पंप, तो यहाँ पे 13,000 का डीजल ले ले रहे हैं अभी, जो झारखंड में 94.93 रुपया डीजल है, और यूपी में 89 रुपया है, तो डीजल अभी डाल रहा है नोजल मैन भाई, बस डीजल लेंगे और इधर फुसरो होते हुए डुमरी होकर हम लोग को निकलना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, डीजल भरवा लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग डीजल लेकर निकल चुके हैं, अब हम लोग फुसरो पहुँचेंगे। तो देखिए सुबह सुबह क्या हुआ था कि बारिश हो गया था, देखिए पूरा रोड भींगा हुआ है, तो हल्का फुल्का बूंदाबांदी हुआ था, तो हम लोग बढ़िया त्रिपाल मार दिए हैं गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पतला वाला वायर है, अगर पानी अगर उसमें चला जाएगा तो जंग लग जाता है, तो क्या होगा माल रिजेक्ट होने का खतरा है, फिर हम लोग का भाड़ा वगैरह कट सकता था, इसीलिए हमने बढ़िया त्रिपाल मार दिया हूँ। अभी जो है झारखंड में उतना ठंडा लग नहीं रहा है, ठंडा एकदम से इधर खत्म हो गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी फुसरा वगैरह पार करते हैं हम लोग। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं डुमरी, ये देखिए सामने डुमरी वाला टोल प्लाजा, अब यहाँ से हमारा घर मुश्किल से 40-50 किलोमीटर और बचा हुआ है। अभी रास्ता में हम लोग आ रहे थे तो सुबह से हल्का हल्का बारिश हो रहा है, देखिए पूरा रोड भींगा हुआ है, हम लोग को वही डर लग रहा है कि पतला वाला तार लोड किए हैं, कहीं बारिश में थोड़ा बड़ा माल भींग जाएगा, कहीं जंग लग गया तार में तो पार्टी जो है दिक्कत करेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर बोला था कि बढ़िया से त्रिपाल मार के जाइएगा, नहीं तो माल में थोड़ा जंग लग जाएगा तो पार्टी लफड़ा करेगा। इसीलिए सुबह से बारिश हो रहा है हल्का हल्का, थोड़ा वही डर सता रहा है कैसा नहीं माल भींग जाए। वैसे त्रिपाल तो बढ़िया वाला डाल दिए हैं, क्या है ना कि डाला के नीचे माल है हमारा, और हम लोग जाली मार के त्रिपाल मारे हैं, तो वही डर लग रहा है कहीं पानी घुस गया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए अभी तो बारिश खत्म हो गया है, हल्का हल्का धूप आ गया है, अभी चलते हैं घर पे और नया वाला टायर चेंज करवा लेते हैं, उसके बाद खाना पीना खा कर दोपहर के बाद हम लोग निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। यह टोल प्लाजा बढ़िया है, बहुत लंबा चौड़ा स्पेस है यहाँ पे, रात में हम लोग आते हैं तो गाड़ी यहाँ पार्किंग लगाने का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, तो टोल प्लाजा ऐसा ही होना चाहिए लंबा चौड़ा, ताकि बड़ा गाड़ी वाला रात में आए तो आराम से अपना कहीं भी पार्किंग करके लगा के सो जाए, तो अच्छा लगता है ये टोल प्लाजा, हमको सबसे बढ़िया लगा, यहाँ जगह का कमी नहीं है, पार्किंग का कमी नहीं है, और रोड भी इतना शानदार है कि कहना नहीं, आगे बगोदर तक रोड आपको बढ़िया मिलेगा, फिर बगोदर के आगे रास्ता थोड़ा खराब है, बाकी फिर बरकट्ठा चौपारण का रास्ता इतना खराब है कहना नहीं, लगभग 4 साल हो गया है रोड को बनाते बनाते, लेकिन अभी तक रोड कम्प्लीट नहीं हुआ है, दुनिया भर का फ्लाईओवर बना रहा है, सारा फ्लाईओवर को पेंडिंग में छोड़ दिया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, पहुंच जाएंगे 1 घंटा में हम लोग।
दोस्तों दिन के 11:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं बरकट्ठा में। तो ये देखिए, ये हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं। तो अभी हम गाड़ी क्रॉस ही कर रहे थे तो ये बाइक से थे तो हमको हाथ दिए तो रुक गए। बाकी ये हमारा वीडियो यूट्यूब में भी देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं और इनका खुद का अपना गाड़ी है। कौन सा गाड़ी है जूटू? 14 चक्का 12 चक्का। दो गाड़ी है। ये हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं और बाकी इसी तरह प्यार है, सपोर्ट हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। मेरा नाम सिकंदर है, कुमार जाधव है। भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी 10 किलोमीटर आगे हमारे घर पहुंचने वाले हैं तो मिल गए तो भाई से मिल लिए, क्योंकि कोई भी सब्सक्राइबर या फॉलोअर मिलता है तो उनसे जरूर बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम हैं। दोस्तों दिन के 3 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। नया टायर भी आगे लगा लिए हैं, अब यहाँ से निकलने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक टायर हमारा पंचर हो गया था, बाकी एक नया स्टेपनी भी चेंज कर लिए हैं। ये देखिए नया टायर, यही टायर फिट किए अभी, बाकी ये वहाँ का टायर जो था ये स्टेपनी में फिट कर दिए हैं और एक टायर पंचर हो गया था वो पंचर भी बना लिए हैं। अब यहाँ निकलने की तैयारी कर रहे हैं भाई, क्योंकि लखनऊ जाना है, पार्टी का बार बार फोन आ रहा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब निकलते हैं यहाँ से हम लोग। दोस्तों शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं चौपारण। तो यहाँ पे रुके हुए हैं, हमारे गाड़ी का थोड़ा ब्रेक कम पकड़ रहा था इसलिए ब्रेक मिलवा लिए और आगे का एक हेडलाइट का बल्ब फ्यूज हो गया था वो बल्ब भी चेंज करा रहे हैं। यहाँ से 100 मीटर आगे डैग बाबा का मंदिर है, वहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे हम लोग, उसका सीधा हम लोग चौपारण घाटी ढोल जाएंगे, फिर हम लोग बिहार पहुंच जाएंगे। ऐसे भी पार्टी बार बार फोन कर रहा है कि भैया जल्दी आइए जल्दी आइए, कल सुबह तक गाड़ी हमको दीजिए। हम बोले भैया कल सुबह तक गाड़ी आ नहीं पाएगा, अगर आने का भी रहेगा तो कल शाम ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहीं पे लेट हो चुका है। एक नया टायर चेंज किए, एक पीछे का टायर पंचर हो गया था तो उसमें समय लग गया, प्लस डीजल वगैरह भी लेना पड़ गया हम लोग को। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बल्ब चेंज करवाते हैं फिर आगे चलते हैं मंदिर के पास। दोस्तों यही हमारा हेडलाइट बल्ब जो है फ्यूज हो गया था तो अभी चेंज कर रहे हैं हेडलाइट, और ये अंकल चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा लाइट बहुत कम ही दिख रहा था, इसकी वजह से नया हेडलाइट बल्ब लेकर आ गए हैं। ये वाल्टा का है, 24 वाल्ट का, 180 रुपये में दिया है, ऐसे सब जगह 200 रुपये मिलता है लेकिन यहाँ पे 180 रुपये मिल गया चौपारण में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हेडलाइट का काम हो गया है, अब आगे निकलते हैं हम लोग। दोस्तों शाम हो चुका है और हम लोग आ गए चौपारण घाटी में, ये देख सकते हैं चौपारण घाटी का नज़ारा। अभी शाम हो गया है इसकी वजह से अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ का व्यू, क्योंकि ये चारों तरफ से जंगल है और पहाड़ भी है, चारों तरफ से जंगल के साथ में पहाड़, बहुत ही सुंदर व्यू शाम के टाइम मिल रहा है देखने के लिए। और यहाँ से ज़्यादा अभी ढलान शुरू हो जाता है, देखिए हम लोग 4 नंबर लगा लिए हैं। ऐसे हमारे गाड़ी अंदर रोड है लेकिन 4 नंबर में भी आराम से उतर जाएंगे, और अभी आप देख सकते हैं 4 नंबर में है गाड़ी और हम ब्रेक पे पैर रखे हुए हैं, उसके बाद स्केटर जो है RPM 25 पे चला गया है और स्पीड भी लगभग 40 पे चला गया है। यही सब होता है, अगर आप ज़्यादा अगर हाई गियर डाल देंगे तो और स्पीड भागने लगता है गाड़ी, और कभी कभी क्या होता है कि जब इमरजेंसी ब्रेक मार लीजिएगा तो इमरजेंसी ब्रेक लगता नहीं है, यही सब होता है। अभी देखिए 4 नंबर में मेरा गाड़ी 40 का स्पीड हो गया, अब आराम आराम से 3 नंबर डाल देंगे, ज़्यादा स्पीड भाग रहा है ये, और हमको ढलान में कंट्रोल करके गाड़ी चलाना है। देखिए अभी 3 नंबर डाल देंगे, ये देखिए कितना कंट्रोल हो गया गाड़ी हमारा, इंजन का साउंड कितना हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, आराम आराम से चौपारण घाटी उतरते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बिहार में घुस जाएंगे तो डोबी बॉर्डर फिर मैकेनिकल वगैरह कटवा के निकलना पड़ेगा हम लोग को। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग डोभी बॉर्डर पार करके आ चुके हैं सार घाटी। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन का काम चल रहा है, मतलब ये 4 लेन रोड था वो 6 लेन हो रहा है, तो देख सकते हैं सामने कितना ही लंबा जाम लगा हुआ है। ये देखिए आधा घंटा से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे लाइन बढ़ेगा आगे वैसे वैसे बढ़ना है। दोस्तों 1 घंटा हम लोग जाम में रहे, कारण क्या था, जो सार घाटी वाला जो बड़ा पुल है नदी वाला वो एक तरफ से बंद कर दिया गया, उसमें वर्क चल रहा है, पूरा गड्ढा हो गया था, इसके वजह से एक ही रोड से दोनों साइड से गाड़ी आ रहा था, इसके वजह से भयंकर वाला जाम लग गया था। फिलहाल अभी हम लोग धीरे धीरे अभी निकल रहे हैं। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग औरंगाबाद से पीछे मदनपुर में रुके हुए हैं, तो बगल में सरदार जी का ढाबा है तो चलते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि गाड़ी जब लेकर आ रहे थे थोड़ा आलस आने लगा, नींद आने लगा,
थोड़ा चाय पी लेंगे तो फुर्ती आ जाएगा पूरा शरीर में, और टायर वगैरह भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, थोड़ा शीशा भी हमारा गंदा है वो भी साफ कर लेंगे। दोस्तों अभी हम लोग पंजाब लाइन होटल में रुके हुए हैं, ये मदनपुर से आगे पड़ता है और औरंगाबाद से पीछे। देखिए चाय भी मिल गया हमारा, क्योंकि ठंडी में चाय पीने का कुछ अपना ही मजा है, और अभी गाड़ी चला के आए तो ज़्यादा ही सुस्ती था। चलिए ठीक है दोस्तों, चाय पीते हैं, और धर्मेंद्र उधर शीशा साफ कर रहा है, वो भी आके चाय पी लेगा, उसका निकलते हैं हम लोग। वैसे धर्मेंद्र को देंगे अभी गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि उसका भी हाथ साफ करना बहुत ज़रूरी है भाई। दोस्तों रात के 11:30 बज चुके हैं और हम लोग सासाराम टूल टैक्स पार कर चुके हैं, अब हम लोग मोहनिया पहुंचने वाले हैं। यहाँ से मोहनिया 30-40 किलोमीटर बचा हुआ होगा, तो अभी भी हम लोग खाना पीना नहीं खाया है। और ये देखिए इधर धर्मेंद्र गाड़ी चला रहा है, तो अभी रात का समय हो चुका है, लेकिन इधर ठंडी कुछ भी नहीं लग रहा है। देखिए शर्ट में है, तो बिहार झारखंड में तो ठंडा नहीं लग रहा भाई, अब यूपी जाएंगे तो मालूम चलेगा कितना ठंडी है वहाँ। फिलहाल आप रात का व्यू देख सकते हैं कितना ही सुंदर है, इधर धर्मेंद्र आराम आराम से गाड़ी चला रहा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आगे चल के खाना खाते हैं। मोहनिया से पहले कुदरा वगैरह बहुत सारा होटल है, कहीं भी खाना हम लोग खा लेंगे रुक के। दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं खुरमाबाद, ये देखिए गुरुदेव बसेरा लाइन होटल, तो यहीं पे हम लोग बराबर खाना खाते हैं। तो खाना में आज हमारा रोटी और ये मिक्स वेज है, इधर धर्मेंद्र का भी खाना लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों खाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, अभी हम लोग को मोहनिया बॉर्डर भी पार करना है। बाकी ये सब जितना भी स्टाफ है सब अपना बारह किटी डोभी तरफ का ही है। होटल में खाना बहुत बढ़िया मिलता है, इसीलिए हर चक्कर हम यहीं पे खाते हैं। अरे ये चाचा हमारा स्टाफ है, बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं हम लोग। दोस्तों काफी रात हो चुका है, हम लोग मोहनिया बॉर्डर भी पार कर चुके हैं और मोहनिया टोल प्लाजा भी, अब हम लोग नौबतपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन कुहासा काफी गिर रहा है, तो अभी हम लोग 10 किलोमीटर आगे जाके नौबतपुर से पहले ही बाबू साहब का होटल है वहीं पे लगा के सो जाएंगे। दोस्तों रात के 2 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं करमनासा, तो यहां से नौबतपुर ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 5-6 किलोमीटर बचा होगा, तो अभी हम लोग यहीं पे सोने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग रास्ता में आए मोहनिया बॉर्डर पार किए तो बहुत ही कुहासा और धुंध था, तो हमको लगता है कि अभी गाड़ी चलाना सेफ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इतना ना कुहासा है, कहीं कोई तरह का बात हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए अब यहीं पे सो जाएंगे। और रात भी हो गया है काफ़ी, तो सो जाने में ही हमारा भलाई है, बाकी सुबह सुत उठ के यहाँ से चलेंगे तो अपना जौनपुर सुल्तानपुर पार करके बाराबंकी चले जाएंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय।